हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। और आज है मेरे साथ में नाजिम भाई, जिनका आज ही हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, जो लगभग जो है 4000 ग्राफ के समथिंग इनका जो है ग्राफ लगे हैं इसमें। और हम इन्हीं से इनका एक्सपीरियंस जानेंगे हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। उसके पहले बता दूँ, इनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है हेयर फ्री हेयर ग्रो सूरत ब्रांच से। और जस्ट हेयर ट्रांसप्लांट हुआ इनका क्योंकि इनका दो दो पार्ट में डिवाइड करा था, आधा कल हुआ था और आधे के लगभग आज हुआ है। थोड़े ग्राफ ज़्यादा थे इसलिए जो है 2 दिन में हुआ इनका प्रोसेसर। और एक्सपीरियंस पूछ लेते हैं कि जो ट्रांसप्लांट आपने कराया अभी, तो सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि आपको इस क्लिनिक के बारे में पता कैसे चला था। क्लिनिक के बारे में तो मुझे अपने दोस्त से पता चला, उन्होंने यहाँ से कराया था। उन्होंने यहाँ से करवाया था, उनका एक्सपीरियंस अच्छा था। रिजल्ट आ चुका है उनका? हाँ, रिजल्ट भी अच्छा और है। बढ़िया रिजल्ट है। बढ़िया है, बढ़िया है। जब भी आप भी यहाँ से जो है कराने के? हाँ, तभी मैंने कराने के यहाँ सोचा। ओके, तो ये लोकल सूरत से ही है और इन्होंने, क्योंकि इनके फ्रेंड यहाँ से करा चुके हैं, वो लगभग 1 ईयर के समथिंग हो चुका उनको। हाँ। और उनके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं तो उन्हीं को देखते हुए इन्होंने यहाँ से कराया। सो आपको मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ के रिजल्ट बेस्ट है, तो आप भी प्लानिंग करना चाहे तो कर सकते हैं। बाकी एक्सपीरियंस पूछे थे कि सर्जरी को लेकर कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? अच्छा है, कोई ऐसा मतलब पेन वगैरह तो होता नहीं है। हाँ, शुरू में थोड़ा सा जब वो एनेस्थीसिया देते हैं तो हल्का सा वो भी होता है, उसके बाद भी ज़्यादा पता नहीं चलता। अच्छा, आपने जैसे डॉक्टर से मिले थे जो डॉक्टर सर्जरी करी है, तो कैसा क्या लगा मिलने के बाद में? उनका भी बहुत अच्छे से समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, बात करने का तरीका अच्छा है ना, और बहुत ही प्रोफेशनली वो हर चीज़ को समझाते हैं और हमारी लैंग्वेज में समझाते हैं। मतलब बहुत सारे लोग मेडिकल टर्म में समझाते हैं, लेकिन इनके समझाने से हमें पूरा समझ में आया कि कैसे क्या प्रोसीजर होगा, और वैसे ही स्मूथली सब कुछ। डेफिनेटली। अच्छा, सर्जरी के बाद में जैसे आपकी आधी तो कल हो चुकी थी, आपने मिरर में देखे थे ग्राफ वगैरह लगे थे, आपको देख के कैसा लग रहा था? थोड़ा अजीब लगता है पहली बार। और जो खुशी हुई थी देखने के बाद? हाँ, बिल्कुल भी बहुत, कि अब जो है बाल हमारे सिर पे आ गए। हाँ। तो बढ़ेंगे सर, क्योंकि रूट तो जो है वो लगी चुकी है। तो कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस था इनको। और बाकी मेन कारण क्या रहा हेयर ट्रांसप्लांट कराने का, आपने सोचा डिसीजन लिया? डिसीजन तो मेरा मतलब इस वजह से लिया ना कि थोड़ा सा क्या है कि मैं एक सर्विस फील्ड में हूँ, है ना, तो थोड़ा सा एक लोगों से मिलना जुलना तो मैटर करता है बहुत। कस्टमर से भी मिलना होता है, क्लाइंट से भी मिलना होता है, थोड़ा सा एक अच्छा दिखने से कॉन्फिडेंस भी आता है इंसान के अंदर, है ना, इस वजह से मेरा यही था। सो यही है कि लुक इनहेंस हर कोई करना चाहता है, क्योंकि जब वर्क ऐसा हो, क्योंकि जैसा बता रहे हैं कि इनका हर बहुत लोगों से मिलने का वर्क है। हाँ। क्लाइंट से मिलते हैं तो अधिकतर ऐसा हो जाता है, कई बार मैंने देखा कि व्यक्ति की बात करते हुए अगर बाल कम है तो नज़र सिर पे भी चले जाती है। तो वहीं पे हम जो कॉन्फिडेंस जो हमारा रहता है थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम जरूर हो जाता है। तो जब अच्छे बाल होंगे, लुक अच्छा होगा, तो नो डाउट कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि मैंने भी अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया है, जैसा कि आपने देखी ये कंडीशन ट्रांसप्लांटेड हेयर आगे के। अगर मेरा वीडियो देखना चाहते चैनल पे चले जाना, मैंने 6 साल पहले हेयर ट्रांसप्लांट कराया था, तो जर्नी आपको मिल जाएगी। सो ये इनका एक्सपीरियंस था, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। किसी तरह की कोई भी क्वेरी है आप सवाल कीजिए, या व्हाट्सएप पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके जो भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहे ले सकते हैं। टेक केयर, थैंक यू नाजिम।